यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा फोन आ रहा, लोगों का आ रहा है कि यहाँ पे मस्जिद का डेमोलिशन करने वाले हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ में सुहेल खान खड़े हैं, यहाँ बहुत समाजवादी पार्टी के वर्कर खड़े हैं, यहाँ पुलिस खड़ी है, बीएमसी के लोग। जब मैंने बातचीत किया उन लोगों से तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद को हाथ लगाएं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मैं यहाँ पुलिस वालों से भी कहता हूँ और यहाँ के बीएमसी से भी कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर खराब अगर होगा तो आपकी जिम्मेदारी है, तो और पब्लिक यहाँ का जो है, पब्लिक जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगी। अगर कोई मसला खराब होगा तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अगर लॉ खराब होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और देखिए, हम एक बात बता दें आपको, हमारे मजहबी मामले में हम कोई जो है दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जब हमने बीएमसी कर्मचारी से बातचीत किया तो लोगों ने क्या कहा कि सब हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको जो हाथ नहीं लगाएंगे। और यहाँ की जो पुलिस खड़ी हुई है वो भी कह रही है कि भाई हम इस मामले में हम नहीं आए हुए, यहाँ का जो डेमोलिशन दूसरा मामला है उसको हम कर रहे हैं, ना कि हम जो है यहाँ मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। हमने पूरा मस्जिद के भी जाके सर्वे किया अंदर, उसमें लोगों ने पूरा जो, बल्कि मस्जिद में धूल मिट्टी ना जाए उसके लिए भी जो है वो लोगों ने पूरा एक प्लास्टिक का भी अच्छा इंतजाम किया है। तो ये मुझे एक मतलब ये अच्छा लगा कि यहाँ की जो हमारा पुलिस विभाग है और यहाँ के जो बीएमसी डिपार्टमेंट है वो लोगों ने एक लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखा है। यहाँ पे नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि मैं बाहर आता हूँ। मेरे साथ में वसीम कुरैशी साहब है, वसीम कुरैशी मैं हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं, जिनको लेके मैं अंदर गया था। मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि अंदर दो नमाज हुई है, अभी नमाज यहाँ पे हुई है, कोई लॉ ऑर्डर खराब नहीं है, आप लोग अपने घर चले जाइए, पुलिस आपका पूरा ताउन कर रही है। पुलिस जो अमला है यहाँ का, जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ने के लिए आई है। और मैं आपसे एक अपील और करता हूँ, आप लोग अपने घर जाइए, लेकिन नमाज हम इसी मस्जिद में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ में इकबाल भाई थे, कहाँ गए ये? हमारे साथ इकबाल भाई थे, इनका मस्जिद के बगल में इनका मकान है, उनके साथ मैंने दौरा किया, इनको मैंने मेरा टेलीफोन नंबर भी दिया है, और यहाँ के डिपार्टमेंट से भी कहा है कि देखिए आप सपोर्ट करिए। डिपार्टमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, जो नमाज पढ़ने जाना चाहता है, जो यहाँ पे नमाज मुकामी लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए जाएं। बल्कि दो जमात अल्हम्दुलिल्लाह भी हुई है, तो मेरे साथ में पूरा डिपार्टमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। और अंदर मैं जा करके पूरा सर्वे करके भी आया हूँ, मैंने वीडियो बना लिया है, और मैं यहाँ पे फिर से पूरी पुलिस कर्मचारी का भी वो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है पूरा हमको दौरा करने दिया और पूरा टाउन भी किया है। और बीएमसी डिपार्टमेंट के वो कोई शिंदे साहब है या कौन ऑफिसर है, अभी जो कह रहे थे, मैं पूरा डिपार्टमेंट सामने कह रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि आप हम कंडम कर देंगे। मैं सर बीएमसी डिपार्टमेंट से दोबारा कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस मस्जिद के ऊपर स्टे है, यदि आप अगर कोई गलत बात बोलेंगे वहाँ पे, गलत स्टेटमेंट देंगे, तो वो अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो सर वो आपकी जिम्मेदारी होगी। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट के सामने कि अगर आप गलत काम करेंगे तो यहाँ की आवाम आपको सबक सिखाएगी, ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है इस तरीके से पूरे आवाम के अंदर कहें कि हमारे ऊपर कंडम कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर आपकी बात अभी रिकॉर्ड हुई होगी तो हम आपके ऊपर पर्सनली केस जो है दाखिल कराएंगे, और हम आपके ऊपर जो है जेजे प्रिज़न में जा करके, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ वीडियो किसके पास है, जबकि इकबाल भैया लोग बता रहे हैं कि वो शिंदे ऑफिसर जो है वो कौन सा ऑफिसर थे, वो शिंदे ऑफिसर ने कहा है कि बोले एक डेढ़ महीने में बोले तोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आवाम से भी कहता हूँ कि अगर वो नहीं बात का और मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मुताबिक मैं अभी जेजे में जा करके उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कराऊंगा, और अगर एफआईआर नहीं लगी पुलिस तो मैं धरना मोर्चा करूंगा उनके खिलाफ। और मैं एक बात आवाम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर चले जाएं, लॉ एंड ऑर्डर खराब करें, किसी को फोन ना करें, किसी नेता के यहाँ जो है समझदारी ना करें, और ये डिपार्टमेंट को टाउन भी करें। और एक अपील करता हूँ लास्ट में कि यहाँ पे नमाज पढ़ें, बिल्कुल यहाँ पे नमाज पढ़ना ना छोड़ें, ये नमाज यहाँ पढ़े, नमाज को ना छोड़े प्लीज। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग अपने अपने घर चले, जो करना है पहले मैं मारूंगा, चल अगर वो ये बात बोलेगा ना पहला लाफा मैं मारूंगा, मेरी जान जाएगी जाए, अगर वो गलत बात करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो शिंदे साहब ये बोलेंगे।